Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the quick revision of the transcription. Okay, so इस video tutorial में हम discuss करने वाले हैं कि quick revision transcription का कैसे कर सकते हैं आप. ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ कि quick revision कैसे कर सकते हैं, तो simple शब्दों में अगर समझा जाए तो क्विक रिवीजन की बात करें हम, तो क्विक रिवीजन के प्रोसेसेस को अगर डिवाइड करें तो क्विक रिवीजन पूरा के पूरे ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, जो कि डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है इन द ट्रांसक्रिप्शन. अब वो आरएनए कोई भी हो सकता है, वो आरएनए चाहे आपका मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, टीआरएनए हो, कोई भी आरएनए हो सकता है आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में. तो देखिए क्या होता है प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर डिफाइन किया जाए 10 स्टेप्स में अगर डिफाइन किया जाए, तो फर्स्ट स्टेप इज द प्रमोटर रिकॉग्निशन. पहला जो स्टेप होता है वो प्रमोटर रिकॉग्निशन होता है. प्रमोटर रिकॉग्निशन के लिए एक कंपोनेंट चाहिए होता है जो कि प्रमोटर रिकॉग्नाइज करे, तो वो कंपोनेंट प्रोकैरियोट में होता है क्या, सिग्मा 70. वो कंपोनेंट प्रोकैरियोट में होता है सिग्मा 70, लेकिन यूकैरियोट की बात करें, अगर यूकैरियोट की बात करें तो उसमें होता है टीबीपी या TAF, दोनों मिलके. TBP का फुल फॉर्म होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि प्रमोटर पे बाइंड करता है. जैसे कि रिप्लिकेशन में आप ओराई की बात करते थे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वो बोलते हैं प्रमोटर. ठीक है, प्रमोटर से स्टार्ट होता है, तो प्रमोटर स्टार्ट करने की बात करें आपसे, ठीक है, तो यूकैरियोट में रिकॉग्नाइज करने के लिए TBP और TAF होते हैं. यूकैरियोट में रिकॉग्नाइज करने के लिए TBP और TAF होते हैं, और प्रोकैरियोट में सिग्मा 70. ठीक है, अगर मैं बात करूं बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो प्रमोटर रिकॉग्निशन के बाद, क्योंकि रिकॉग्निशन के बाद आपका क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा. रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा. जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो. बाइनरी का मतलब होता है दो, और यहाँ पे क्या, दो नेचर के कंपाउंड मिलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए. एक प्रोटीन है, दूसरा डीएनए है, दो नेचर के कंपाउंड है, इसलिए इनको बोलते हैं बाइनरी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. क्योंकि अभी हेलिक्स का ओपनिंग नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है हेलिक्स, अभी सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ा हुआ है. कहाँ पे, प्रमोटर के पास. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ा, क्या करेगा वो कॉम्प्लेक्स जो बना है बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये मूव करेगा, प्रमोटर को क्लियर करेगा, क्योंकि प्रमोटर क्लियर करके ही हेलिक्स की ओपनिंग होने वाली है. तो पहले प्रोसेस होगा प्रमोटर क्लियरेंस. प्रमोटर क्लियरेंस किया, प्रमोटर क्लियर किया, क्लियर द प्रमोटर, उसके बाद क्लियर करेगा प्रमोटर के, क्योंकि प्रमोटर के बाद ही स्टार्ट साइट प्रेजेंट होता है. अगर एक जीन की बात करें तो जीन में एक प्रमोटर होता है, फिर स्टार्ट साइट होता है, तो प्रमोटर को क्लियर करना जरूरी होता है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को. प्रमोटर क्लियर करने के बाद हेलिक्स ओपनिंग, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, हेलिक्स की ओपनिंग होती है किसके थ्रू, हेलिकेज के थ्रू. हेलिकेज के थ्रू हेलिक्स की ओपनिंग होगी, ठीक है, ठीक है. तो हेलिक्स की ओपनिंग होगी, कौन करेगा हेलिक्स की ओपनिंग, वो करेगा आपका हेलिकेज, वो करेगा आपका हेलिकेज. हेलिकेज करेगा हेलिक्स की ओपनिंग को. तो बात करते हैं, अगर हेलिक्स की ओपनिंग हेलिकेज कर रहा है तो हेलिकेज क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन करेगा. हेलिकेज को ओपन करने के बाद, हेलिकेज को ओपन करने के बाद क्या करेगा कि हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हेलिक्स को ओपन करेगा. ओपन करने के बाद क्या होगा, आपका बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो ओपन हो गया है. और बाइनरी अभी भी है क्योंकि सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज है और डीएनए है, लेकिन ओपन फॉर्म में. नाउ अब आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनना शुरू होगा. प्रमोटर क्लियरेंस हो चुका है, आरएनए आपके एमआरएनए को ऐड करना शुरू करेगा. जैसे एमआरएनए को ऐड करना शुरू करेगा, क्या बनेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. क्योंकि तीन नेचर के कंपाउंड है, एक एमआरएनए, एक आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोटीन है, और एक डीएनए. तो तीन नेचर के कंपाउंड है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया. और उसके बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, जनरली एबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, क्योंकि दो से तीन न्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा नहीं होता, तो वो न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हो जाता है. आरएनए का फॉर्मेशन रुक रुक के होता है, एबॉर्टिव का मतलब रुक रुक के हो रहा है. दो तीन न्यूक्लियोटाइड होगा ब्रेक हो जाएगा, दो तीन न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा ब्रेक हो जाएगा, टिल जब तक कि 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो जाता, ताकि स्टेबल इनिशिएशन हो सके. तो आपका एक एबॉर्टिव इनिशिएशन, दो से न्यूक्लियोटाइड बार बार डी अटैच होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं कर पाता उस न्यूक्लियोटाइड को, इसी वजह से
वो दो तीन बार चार बार रिमूव होगा, टूट जाएगा, उसके बाद फिर से स्टेबल न्यूक्लियोटाइड बनाता है, स्टेबल एमआरएनए बनाता है। ठीक है, एमआरएनए या आरएनए, टीआरएनए या राइबोसोमल आरएनए, कोई भी आप बोल सकते हैं। तो एबॉर्टिव इनिशिएशन प्रोसेस होगा, एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद जब इनिशिएशन स्टेबल हो जाएगा तो देन कौन प्रोसेस होगा, इलॉन्गेशन, फिर प्रोसेस होगा आपका इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन की बात करें तो इलॉन्गेशन के लिए ऑब्वियसली बात है एमजी टू प्लस चाहिए, एमएन टू प्लस चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को ऐड करने के लिए। यस, इलॉन्गेशन की बात, नाउ इलॉन्गेशन जब होगा तो हेलिकेज भी आगे कट करता हुआ चलेगा डीएनए स्ट्रैंड को, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को मूव कराना है, आरएनए को बनाना है। तो जब ये चलता चलता जाता है तो आपको सुपर कॉइलिंग भी मिलेगा। सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए कौन चाहिए, टोपो आइसोमरेज, दो तरीके के होते हैं, वन एंड टू, दोनों टोपो आइसोमरेज चाहिए। प्रोकैरियोट में टू चलता है और यूकैरियोट में वन एंड टू दोनों चलता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इलॉन्गेशन के बाद इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। ये रो डिपेंडेंट भी हो सकता है या रो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस, क्या होता है रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो क्विक रिविजन का होगा, मैं ब्रीफ में ही डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। प्रमोटर रिकॉग्निशन, पहला काम प्रमोटर रिकॉग्नाइज करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, प्रमोटर क्लियरेंस होगा, फिर हेलिक्स की ओपनिंग होगी, फिर बाइंडिंग द ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हेलिक्स ओपन करने के बाद ओपन कॉम्प्लेक्स बाइंड्री ओपन कॉम्प्लेक्स होगा, एंड देन टर्नरी कॉम्प्लेक्स एमआरएनए का बनना शुरू होगा, एबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, दो तीन बार टूटेगा, फिर से आठ, जब तक आठ से दस न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो जाता तब तक स्टेबल नहीं होगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर रिमूवल ऑफ द सुपर कॉइलिंग टोपो आइसोमेरेज, एंड द लास्ट वन इज द टर्मिनेशन। ठीक है, तो एक बार डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करें, ट्रांसक्रिप्शन को देखिएगा, दिस इज प्रमोटर, ये आपका प्रमोटर, यहाँ से स्टार्ट साइट है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने वाला क्या है, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने वाला ये सिग्मा फैक्टर, दिस इज द सिग्मा फैक्टर, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। इस दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं, जब आपका सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, पर ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। सिग्मा 70 रिकॉग्नाइज करने के बाद हेलिकेज आके हेलिक्स को ओपन किया, यहाँ पे हेलिकेज भी आएगा, हेलिकेज आके हेलिक्स को ओपन करेगा, बाइंड, ये क्या हुआ, ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बाइनरी क्लोज्ड, उसके बाद ये कौन सा बना, बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी ओपन कॉम्प्लेक्स बना, और फिर यहाँ से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। तो बाइनरी ओपन के बाद टर्नरी भी बनेगा, टर्नरी बना और ओपन स्टार्ट हुआ, डायरेक्शन क्या होगा एमआरएनए की सिंथेसिस का, वही 5-3 प्राइम। कोई भी सिंथेसिस होता है वो सिंथेसिस का डायरेक्शन इन द केस ऑफ आइदर रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन या टीलोमेरेज रिप्लिकेशन हिस्टोन ट्रांसक्रिप्शन की कुछ भी होता है डीएनए से रिलेटेड, वो डायरेक्शन हमेशा 5-3 प्राइम होगा। डीएनए आरएनए जो भी न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड की बात करते हैं तो सिंथेसिस हमेशा 5-3 प्राइम होगा, तो आरएनए की सिंथेसिस भी 5-3 प्राइम होगा। जैसे सिंथेसिस होगा, क्या एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद जैसे स्टेबल इनिशिएशन होगा, सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, सिग्मा फैक्टर रिमूव, सिग्मा 70 रिमूव होता है, अब सिर्फ और सिर्फ आपका कोर एंजाइम जो कि आरएनए पॉलीमरेज बचा रहता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रोकैरियोट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कोर एंजाइम जो बचा रहता है बस वही आपको क्या करेगा, वो आपको आरएनए एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा, और जैसे ही टर्मिनेशन साइट आया हेलिकेज जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे हेलिकेज, कौन सा हेलिकेज, दैट इज द रो प्रोटीन, एक रो प्रोटीन होता है जो क्या करता है, रो प्रोटीन यहाँ से 5-8 एंड से चलता हुआ आता है और टर्मिनेशन साइट पर पहुँचते ही उस जो 8-10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रहते हैं, यहाँ पे 8-10 न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे इनिशिएशन में 8-10 न्यूक्लियोटाइड में अभी आपको बताया था स्टेबल इनिशिएशन के लिए चाहिए, तो ये 8-10 न्यूक्लियोटाइड आपके पड़े रहते हैं, इस 8-10 न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके एमआरएनए को अलग और डीएनए को अलग कर देता है, कौन, दैट इज द रो प्रोटीन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऐसे होता है और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है स्टेम लूप फॉर्मेशन करके, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो लेट्स सी दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे प्रोसेस, प्रमोटर के टाइप्स, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स एंड ऑल द थिंग्स। सो गाइज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी
पे अनअकैडमी पे आ सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ गाइस। आप लोग अनअकैडमी पे आइए, लाइव पढ़िए मुझसे और आई कैन गारंटी यू कि इट इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर द सीएसआईआर एग्जामिनेशन। आपको मोर देन इनफ होगा सीएसआईआर एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऑनलाइन पैटर्न के साथ पढ़ाया जाएगा, लाइव और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, टॉप एजुकेटर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, वीकली क्विजेज और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। एंड जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रिफरल कोड दैट इज़ द VIREN दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट गाइस। अनअकैडमी प्लस पे आइए, सीरियसली बता रहा हूँ, आप आएंगे तो आपको खुद मजा आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन क्विक रिविजन एंड पार्ट 2।